कभी नहीं आया हिस्ट्री में सितंबर 11th 2001 के बाद, एंड देन द बुल मार्केट ऑफ 2001 टू 2009 स्टार्ट। तो यहां भी ऐसा हुआ है कि जो कोविड आया और इतना बड़ा फॉल आया, ऐसी रिकवरी आई कि सब सब सोचते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बाजार इज अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म, बाजार फ्यूचर देख के भाग लेता है और बाजार सिर्फ 21 मार्च की अर्निंग में देखता है। बाजार 21, 22, 23, 24, 25 में क्या अर्निंग होती है वो सोचते भाग लेता है। दूसरी चीज है कि ब्याज बहुत कम है, तो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के ऑल्टरनेटिव बहुत कम है। और आई थिंक दीज आर द मेन रीजन, एंड ये कोविड जो है इट इज नॉट अ कैंसर, इट्स आफ्टर ऑल अ फ्लू। हिंदुस्तान में रोज 25 लाख लोगों को फ्लू होता है नॉर्मल, तो इसी में फर्क है। और दुनिया में ब्याज 3-4 साल तक रेट नहीं बढ़ेंगे ब्याज के लिए, ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीजन है। और इंडिया में भी लोगों को बहुत कम एक्सपोजर है इक्विटी में। अमेरिका में 30-32% हाउस होल्ड वेल्थ इक्विटी में है, इंडिया में 4-5% है। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी सेविंग है, अपन ने म्यूचुअल फंड लाने का, डीमैट करने का, सेबी के साथ अच्छा रेगुलेशन, वी हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर मनी कैन बी टैप्ड। एंड द ग्रोथ, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ इंडियन कंपनीज टू जीडीपी इज लाइक द लोएस्ट एवर इन हिस्ट्री, सो इट इज देयर हैज टू बी प्रॉफिट। और उसमें मार्केट साइलेंटली रिकॉग्नाइज कर रहा है कि गवर्नमेंट ने काफी रिफॉर्म किए, आईबीसी, रेरा, जीएसटी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, पावर रिफॉर्म की कोशिश कर रहे हैं, माइनिंग रिफॉर्म, सेलिंग ऑफ पीएससी। और मुझे हिंदुस्तान के लोगों की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, स्किल्स है, तो एक बार गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देगी तो इस देश में अनप्रेसिडेंटेड। तो ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स से मेरे को लगता है कि बाजार इसमें, और बाजार में टिपिकली क्या होता है कि जब बुल मार्केट चालू होता है तो एक बहुत बड़ा फॉल होता है। जब सितंबर 11th हुआ तो बीएससी का जो नेक्स्ट वीक फॉल हुआ वो इंडेक्स आज तक कभी नहीं आया है सितंबर 11th 2001 के बाद, एंड देन द बुल मार्केट ऑफ 2001 टू 2009। तो यहां भी ऐसा हुआ है कि जो कोविड आया और इतना बड़ा फॉल आया, ऐसी रिकवरी आई कि सब सब सोचते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, रिमेन बैलेंस। And markets, then you know how markets are, they learn to trick people. Markets dip, then the weather, and woman upon we can't predict, we have to follow. So, mujhe lagta hai is karanon se bazaar acha hai aur acha rahega. Sab se samajhte hai ki ye satta bazaar hai, ye koi horse racing jaisa. Iske bajaye ye attitude ye hona chahiye. भाई डेट में अपने को पोस्टेड 4-6% मिलेगा, तुम्हें लगता है इक्विटी में अपने को पोस्टेड 12-15%। और जो पीरियड ऑफ टाइम में यू नो 5% में मेरा पैसा डबल होगा 15 साल, आप समझे ना, 12% में मेरा पैसा डबल होगा 6 साल। तो अपने को ये एटीट्यूड से शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए, मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान लेने चाहिए। And because India and the Indian markets are on a constant uptrend, without trying to time the market, we should put money into equity every month. Yehi meri sab kuch hai.